हेलो फ्रेंड्स आज हम अपनी प्रीवियस वीडियो जो हमने आई पी आर बनाई थी उस क्वेश्चंस आई पी आर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बनाई थी उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे आ, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उससे ओवरऑल कनेक्टेड नहीं है आप इसको भी देख सकते हैं नो no प्रॉब्लम आपको इसमें भी कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा तो अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं ओके okay? तो पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चंस वन टू फाइव डिस्कस किए थे और अगर आपने आपको इनके बारे में जानना है और आपने नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं और इसके बाद के क्वेश्चन अभी इस वीडियो में जितने हो पाएंगे उतने डिस्कस होंगे सो अभी हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन में है सो यू कैन सी दिक्सथ क्वेश्चन ओके सो द क्वेश्चन इज़ रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज़ आई पी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट so what is the role? so if i have to answer it then, what it does, it enhances research by disseminating information on advances in technology. second, it promotes the innovation process. third one, it facilitates licensing and technology transfer. fourth one, it encourages high-risk investment, which leads to industrialization.

सो so, सबसे पहले वो क्या करता है वो आप देख रहे हैं कि आई अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन तो डिसेमिनेट होती है ना कि हाँ किसी ने ये क्रिएट किया क्योंकि हर कोई अपने इनोवेशन को सामने तो लाएगा अगर वो पेटेंट कराएगा कुछ भी कराएगा तो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में इसमें हेल्प भी मिलती है नए नए क्योंकि जो इनोवेटर्स हैं वो इंकरेज होंगे और अच्छा प्रोडक्ट लाएंगे क्योंकि उनके राइट्स को भी तो प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन मिल रही है और इसके अलावा ये क्या करता है कि इस वजह से ओवरऑल इस रीज़न की वजह से इनोवेशन जो है उसका उसका एक तरह से प्रमो प्रमोट हो रहा है इनोवेशन और लाइसेंसिंग का आपको पता ही है कि जो जिसको पेटेंट या कोई भी आईपी का राइट मिलता है वो तो लाइसेंसिंग कराएगा तो लाइसेंसिंग हो पाती है इससे और इसके वजह से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाता है और ये क्या करता है ये जो भी आप कहते हैं मतलब जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है उसमें भी इनके उसके लिए भी इनकरेज करता है क्योंकि फिर लोग अगर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर रिसर्च में भी एक तरह का रिस्क भी होता है आप इतना मनी लगाते हैं रिज़ल्ट ना आया तो लेकिन इस वजह से इनक्रेज आईपी आई की वजह से एक इनक्रेजमेंट मिलती है और इस तरह से भी इनोवेशन और रिसर्च को एक बढ़ावा मिलता है और इसकी वजह से ऐसा भी होता है कि आप डुप्लीकेट uh, नहीं करते हो किसी इन्वेस्टमेंट इन्वेंशन uh, को और uh, क्यों डुप्लीकेट नहीं करते है? क्योंकि एक को एक्सक्लूसिव राइट right मिल गया है अब दूसरा पर्सन उसकी नॉलेज का हेल्प ले सकता है और कुछ और क्रिएट करे क्योंकि वो वो सी चीज़ को एज अ पेटेंट भी नहीं ले सकता तो डुप्लीकेशन um, प्रिवेंट होता है इससे और ओवरऑल फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगी ठीक है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेवन it is saying that what is the importance of ipr okay so what is its importance i will give you some pointers uh, first one is it encourages innovation second it uh, increases economic growth third is it safeguards the right of the creators fourth is it promotes innovation and creativity and ensures the ease of doing business फिफ्थ वन इज इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ एफ डी आई जॉइंट वेंचर्स एंड लाइसेंसिंग सो मैं ये आपको बता सकती हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है जो भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी बताया है, वो भी एक तरह से इम्पोर्टेंस है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने बात की और वही बात यहाँ भी की जा सकती है इनोवेशन ऑब्वियसली इंकरेज होगा बढ़ावा मिलेगा इनोवेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पर होगी ओब्वियसली जहाँ पे इनोवेशन है रिसर्च डेवलपमेंट बूस्ट हो रहा है उस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है और क्या होता है राइट right तो क्रिएटर्स के ऑब्वियसली प्रोटेक्ट हो रहे हैं जो सबसे बड़ा इसमें जो सबसे बड़ी बात है और उसके अलावा आपका पूरा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है इन अ वेरी गुड मैनर तो ये सब इसके क्या है इम्पॉर्टेंस है आई के ठीक है अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक्सप्लेन इन ब्रीफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 सो व्हाट इज़ दिस एक्ट ऑल अबाउट इट लेट्स टॉक इट टॉक अबाउट दैट द पेटेंट एक्ट 1970 अलोंग विद द पेटेंट रूल्स 1972 came into force on 20th april 1972, replacing the indian patents and design act 1911. it is the indian legislation which controls the patent system. it has 23 chapters and 162 sections. it included only process patents, 14-year and 5-year for food and drug respectively. in 1999, 2002, 2004, 2005 amendments were done on this act and it led to product patent and 20 years patent period. अब मैं आपको समझाती हूँ इसे हिंदी में तो ये जो पेटेंट एक्ट है आपका 1970 का ये एक आप समझ लो कि ये पूरे मतलब इंडियन पेटेंट को रेगुलेट करता है ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए गए 1972 में पेटेंट रूल्स ठीक है और पेटेंट रूल बनाए गए और इसने क्या किया था जो इंडियन पेटेंट और डिज़ाइन एक्ट नाइनटीन था उसको रिप्लेस किया था ठीक है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो इंडियन पेटेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है इसमें टोटल ट्वेंटी थ्री चैप्टर्स और वन सिक्सटी टू सेक्शन है काफ़ी बड़ा एक्ट है ठीक है काफ़ी डिटेलिंग में हर एक पेटेंट से रिलेटेड हर एक पहलू की बात की जाती है इसमें अगर आप इस एक्ट को खोल के देखेंगे काफ़ी डिटेल प्रोसेस है और इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि पहले जब ये था तो इसमें सिर्फ प्रोसेस पेटेंट था जैसे प्रोसेस पेटेंट का मतलब है कि जो प्रोसेस होती है उस अगर वो अलग है आपकी किसी चीज़ में मतलब किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस डिफ़रेंट है तो उसका पेटेंट मिलेगा आपको ठीक है तो ये पहले था और ड्यूरेशंस भी काफ़ी कम थे कितने टाइम तक पेटेंट मिलेगा पर टाइम के साथ साथ इसमें काफ़ी अमेंडमेंट भी हुए काफ़ी 2002 में चार में 5 में अमेंडमेंट्स हुए अमेंडमेंट्स के साथ इम्प्रूवमेंट हुई इसकी वजह से प्रोडक्ट पेटेंट भी आया और आपको 20 साल का एक पेटेंट पीरियड भी मिला तो टाइम के साथ साथ अमेंडमेंट्स के साथ साथ ही, काफी, ये लॉ काफ़ी ये एक्ट काफ़ी बेहतर हुआ ठीक है आपके लिए जानना ये ज़रूरी था कि पेटेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट कौन सा है और इसकी क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर नाइन एक्सप्लेन ट्रिप्स एंड एक्सप्लेन एक्सपैंड ट्रिप्स सो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊँ सो ट्रिप्स हेयर स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स ये जो ट्रिप्स आया है ये ट्रिप्स एग्रीमेंट से आया है ठीक है तो ये है क्या ये ट्रिप्स ये एक ही बात है ट्रिप्स एग्रीमेंट और ट्रिप्स और सो सो वट इज दिस इट इज़ एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेम्बर नेशंस ऑफ द डब्ल्यू टी ओ दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन it establishes minimum standards for the regulation by a national governments of different forms of intellectual property as applied to nationals of other wto member nations. it was recognized. Uh, it was negotiated at the end of the uruguay round of the gatt between 1989 and 1990 and is administered by the wto. If I तो ये जो है ये एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लीगल एग्रीमेंट है जो डब्ल्यू जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उस उसके जो भी मेंबर नेशंस होते हैं उनके बीच हुई थी ये एग्रीमेंट इसमें क्या हुआ था कि एक तरह से मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया था रेगुलेशन के लिए किया था कौन करता है रेगुलेशन जो भी नेशनल गवर्नमेंट हैं ठीक है जो भी अलग अलग गवर्नमेंट हैं वो आई पी प्रॉपर्टी पर रेगुलेशन करती है ना और किस पे करेंगी उन पे भी करती हैं जो ऐसे नेशनल होते हैं जो दूसरी कंट्री के होते हैं जो अपने पेटेंट को दूसरी कंट्री में कराते हैं ठीक है तो उस पर जो रेगुलेशन है उसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड उसमें वो करने के लिए फिक्स करने के लिए ठीक है और इसका अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं जैसे क्या होता है कि जो पेटेंट मिलता है आपको एक तो आपने आपका प्रोडक्ट जो आपकी ओरिजिन वाला प्लेस है वहाँ तो ऑब्वियसली आप पेटेंट कराओगे तो लोग पेटेंट उस बेस पे भी कराते हैं जैसे जहाँ पे आपका प्रोडक्ट का मार्केट बहुत अच्छा है आप वहाँ पेटेंट कराते हो तो आपका जो पेटेंट है आप अगर दूसरी कंट्री में कराते हो तो ऑब्वियसली जो दूसरी जैसे अगर कोई अमेरिकन कंपनी है वो अपना पेटेंट वहाँ तो करा रही है इंडिया में अपना पेटेंट कराना चाहती है तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा मतलब उसका रेगुलेशन हो थोड़ा क्या रेगुलेशन तो हो गई लेकिन वो रेगुलेशन का जो स्टैंडर्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं था पहले ठीक है उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए क्योंकि कोई कंट्री ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेटिव वे में चले या मतलब एक फेयर आ, वो ना करे रेगुलेशन ना करे तो उस पर्पस के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि हाँ हर कोई एक मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से वो रेगुलेशन करे उस चीज के लिए ये आ, ट्रिप्स लाया गया था और आप इसके फुल फॉर्म से भी समझ सकते हो थोड़ा बहुत कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस उसमें जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं मतलब जो उन्हीं प्रोडक्ट्स का सर्विस का जो भी मतलब ट्रेड होता है उसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो सब उनकी बात की जा रही है यहाँ पे तो बेसिकली मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि यहाँ पर एक मिनिमम स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करने की बात हो रही है रेगुलेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने की जो भी नेशनल गवर्नमेंट है उनके द्वारा और ये अप्लाई होता है जैसे जो नेशनल ऑफ़ अदर डब्ल्यूटीओ टी ओ मेम्बर नेशंस हैं वो जब आई पी के लिए अप्लाई करते हैं ठीक है इतनी सी बात है और ये नेगोशिएट हुआ था यूरो राउंड जो गैट का uh, यूरो राउंड था आ, तो ये जो गैट है ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड तो इसका जो क्या कहते हैं इसके एंड ऑफ द यूरो राउंड जो गैट का जो यूरोउंड का हैंड था उस टाइम पे इसको नेगोशिएट किया गया था 1989 एटी नाइन एंड नाइनटीन के टाइम पर और इसको डब्ल्यू ने एडमिनिस्टर किया था ओके आई होप आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे हम उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के लिए इतने क्वेश्चन आई थिंक आर इनफ एंड ओके आई थिंक obviously uh, there are many other questions also uh, you can see in the screen there are some other questions also and they are also very important they include questions like geographical indications patent infringements design kinds of ipr intellectual property uh, should be protected why the reason for that also uh, ip examples of it patents types uh, vpo and uh, madrid protocol Oh, and all of these questions are important so we will talk all about this also um, there is um, also there is the registration process of patent copyright trademark we will talk talk all about we will talk all about these topics these are uh, very important so thank you so much guys uh, we will meet in the next video thank you